उन फिल्मी हीरो हीरोइंस ने तो धन कमाया, पैसा कमाया, और उस धन और पैसे के लिए उन्होंने फिल्म बनाया, और देश के लोगों ने उन्हें खूब देखा। गलत हो तो भी देखा, सही हो तब भी देखा। गंदी फिल्मों के गंदे हीरो हीरोइंस जो कर देते हैं, जो करके दिखा देते हैं फिल्मों में, आखिर हम उसी के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? हम देश के लोग उसी के पिछलग्गू क्यों बन जाते हैं? हमें अपने साहित्य से नहीं मतलब, हमें अपने धर्मशास्त्रों से नहीं मतलब, हमें अपने अच्छे आदर्शों से नहीं मतलब, हम आंख मूंद कर उन गंदी फिल्मों के पीछे क्यों भागते चले जा रहे हैं? कि जो फिल्में बच्चों को बर्बाद करने पर उतारू हैं, जो बच्चों के अंदर नकारात्मक गतिविधियों के, आपराधिक गतिविधियों के बीज बो रहे हैं, हमें अभी इसका आभास नहीं हुआ? अब भी कुछ स्पष्ट होना बाकी तो नहीं रहा? जिन हीरो हीरोइंस के हम फैंस बने होते हैं, हमारे बच्चे पागलों की तरह उनके पीछे भागते हैं, उनकी वास्तविकताएं, उनकी सच्चाइयां अब तो दुनिया के सामने आ चुकी हैं, फिर भी हम अभी उन्हीं के वशीभूत हो गए हैं। कब तक इस प्रकार से हम अपने समाज को, अपने बच्चों को बर्बाद करते रहेंगे? यदि अभी इन फिल्मों की गतिविधियों को अपने परिवारों में रोका ना गया तो वह दिन बहुत दूर नहीं जब अपराध को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा।